सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Yonex ʏᵒᵘʳ बैडमिंटन रैकेट वर्सेस Yonex GR303 बैडमिंटन रैकेट के बीच में। तो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे कि कौन सी रैकेट आपके लिए बेस्ट हो सकती है, कौन सी रैकेट आपको खरीदना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं दोनों रैकेट के स्पेसिफिकेशंस एंड देन मैं बताऊंगा मेरा ओपिनियन इन रैकेट्स के बारे में। तो मटेरियल की बात करें तो दोनों रैकेट्स एल्यूमिनियम के साथ बनाई जाती है, जो वेट में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है पर लॉन्ग लास्टिंग एंड बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल होता है, जल्दी से नहीं टूटता। वेट की बात करें तो दोनों रैकेट्स का वेट आपको 95 ग्राम से लेकर 100 या 102 ग्राम के बीच में आपको मिल जाता है। ये दोनों रैकेट्स थोड़े से हेवी है पर बिगिनर लेवल्स के लिए बहुत ही बढ़िया रैकेट्स हैं। ग्रिप साइज की बात करें तो G3 की ग्रिप साइज आपको दोनों रैकेट में मिल जाती है। तो दोनों रैकेट की स्पेसिफिकेशन 90-95% तक सेम टू सेम है, पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों रैकेट्स के बीच में। हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप के साथ आपको दोनों रैकेट्स मिल जाती है, जो बिगिनर एंड इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा एक हेडशेप होता है। आपके शॉट्स परफेक्शन के साथ इस हेडशेप से जाते हैं। ये हेडशेप आपको अच्छा परफेक्शन देता है, अच्छी कमांड आपको शटल पर देता है। तो GR303 मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, वहीं पर Yonex की ʏᵒ एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बैंगलोर में इस रैकेट का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। ʏᵒ पूरी की पूरी रैकेट इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है एंड वो डेवलप की गई है जापान में। तो GR303 मेड इन चाइना आ जाती है एंड ʏᵒ मेड इन इंडिया आ जाती है। तो दोनों रैकेट में आपको टी जॉइंट मिलता है, दोनों रैकेट हेड एंड शाफ्ट अलग अलग होता है। तो टी जॉइंट के साथ ये रैकेट बनाई जाती है, जो टू पीसेस रैकेट्स होती है। तो बिगिनर लेवल में आपको टू पीस रैकेट ही ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। कवर की बात करें तो ʏᵒ में आपको फुल कवर मिलता है, टॉप से लेकर बॉटम तक फुल कवर मिलेगा। पर वहीं पर Yonex GR303 में आपको हेड कवर ही मिलता है, जिसकी क्वालिटी डिसेंट होती है। फुल कवर हाफ कवर दोनों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, एक डिसेंट सी क्वालिटी आपको मिलती है। दोनों रैकेट आपको कंपनी की तरफ से प्री स्ट्रंग्स मिलेंगे, मतलब कंपनी की तरफ से दोनों रैकेट्स में स्ट्रंग लगा के आती हैं। तो ये थी इस रैकेट की स्पेसिफिकेशन। तो अभी जान लेते हैं मेरा ओपिनियन। तो मैं दोनों रैकेट से खेला हूँ, दोनों रैकेट्स में मेरे पहले बार जब मैंने बैडमिंटन स्टार्ट किया था तो मेरे पास GR303 ही थी एंड मेरे फ्रेंड के पास ʏᵒ थी। दोनों रैकेट से मैं खेला हूँ। तो बात कर लेते हैं GR303 की। तो GR303 से आप जब खेलते हैं तो ये रैकेट ज़्यादा ही कुछ हेवी हो जाती है इन कंपैरिजन टू ʏᵒ से। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी नहीं बोलूँगा पर एक डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी है GR303 की। वहीं पर अगर आप ʏᵒ को देखेंगे तो उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एल्यूमिनियम से दोनों रैकेट बनाई गई है पर ʏᵒ की बिल्ड क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी है। ग्रिप भी ʏᵒ की बहुत ही अच्छी है। जो कंपनी की तरफ से आपको स्ट्रंग्स मिलते हैं GR303 में, उसकी क्वालिटी एंड ʏᵒ की स्ट्रंग की क्वालिटी दोनों सेम टू सेम है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। पर जब आप ʏᵒ से खेलते हैं GR303 से खेलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस मिल जाता है। ʏᵒ आपको अटैकिंग में थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प करती है, आपको अच्छा कमांड ʏᵒ में मिलता है। तो मैं पर्सनली खेला हूँ सो मुझे तो ʏᵒ बहुत ही बढ़िया लगी है GR303 से, क्योंकि GR303 एक ओल्ड वर्जन हो गया है। तो Yonex ने एक एंट्री लेवल प्राइस रेंज में बहुत ही बढ़िया रैकेट निकाली है। ʏᵒ एक बहुत ही बेस्ट रैकेट है एंट्री लेवल में। तो अगर आप बैडमिंटन खेलना स्टार्ट ही कर रहे हो तो ʏᵒ आपके लिए बहुत ही बेस्ट हो सकती है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। फिर आप जब जब जैसे जैसे आपको बैडमिंटन अच्छा होता गया, आपका गेम अच्छा होता गया एंड आप प्रोफेशनल बन गए तो आप अच्छे रैकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोनों के कंपैरिजन में ʏᵒ इज़ अ कंप्लीट विनर, क्योंकि सारी स्पेसिफिकेशन सेम है पर जब आप खेलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस पता चल ही जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है ʏᵒ। सो आपको वो डिफरेंस मिल ही जाता है एंड अगेन आपका गेम ʏᵒ से बहुत ही अच्छा परफेक्शन होता है। तो ʏᵒ आप लीजिए। प्राइस की बात करें तो दोनों रैकेट 500 से 550 तक मिल जाती है। दोनों रैकेट की लिंक आपको नीचे बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।